गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ हिस्ट्री पोर्शन, चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नॉमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, पेज नंबर 44. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, पेस्ट्रल नॉमेड्स. The pastoral nomads move from one place to another with their herd of animals. Pastoral means चरवाहे, जो animals को जो animal husbandry करते हैं, यानी animals को पालते हैं, उन्हीं उनका occupation ही ये होता है कि animals को पालना, उनसे उनके behalf कुछ चीज़ें जो उनको मिलती है, goods, जैसे animals से वूल मिलता है, मिल्क मिलता है, उस मिल्क से घी वगैरह एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बनती है. तो ये सारी चीज़ों से ये अपना ऑक्यूपेशन करते थे, उन्हें पेस्ट्रोल कहते हैं, जो एनिमल्स हर्ट करते हैं. और नोमैड्स जो दे मूव वन प्लेस टू अनदर, यानी वन प्लेस टू सो द पेस्ट्रोल नोमैड्स मूव वन प्लेस टू अनदर विद दर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, यानी वो अपने एनिमल्स के हर्ड्स, मतलब ग्रुप और झुंड, वो अपने एनिमल्स जिसको वो पालते थे पूरा ग्रुप लेकर वो एक प्लेस पर रहते थे, जहाँ ग्रीनरी खत्म हो गई, रिसोर्स खत्म हो गए, दे मूव टू अनदर प्लेस. द सर्वाइव ऑन मिल्क प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज घी, वूल एक्सेट्रा. अच्छा, वो जब मूव करते थे तो किस पे सर्वाइव करते थे? ऑन ट्रैवल टाइम वो एनिमल्स के मिल्क पर सर्वाइव करते थे, यानी जो उनका खाना होता था उस टाइम उस इसी मिल्क से रिलेटेड हुआ करता था. और उसके बाद ये चेंज एक्सचेंज करते थे उस मिल्क से निकला हुआ घी और वूल, ये एक्सचेंज किससे करते थे? ये फार्मर से ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल के बदले इस चीज़ को एक्सचेंज किया करते थे. अब इस एक्सचेंज सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं बच्चों. They brought and sold these goods and then moved from one place to another on their animals. The most important trader nomads were Banjaras. देखो, जो most important traders, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं अपनी चीज़ों को, फिर exchange करते हैं, तो इनमें सबसे जो most important है वो Banjaras है. Their karma was called turned. जो उनका कारवा हुआ करता था, कारवा यानी वो ऐसे नहीं कि वो खुद अपनी फैमिली को लेके चल गए, एक पूरा कबीला होता था, यानी एक बहुत बड़ा छोटा सा टाउन जिसके अंदर 25 to 30 फैमिलीज या 50 फैमिलीज या 100 फैमिलीज, इस तरह से फैमिलीज हुआ करती थी, जिस वो पूरी फैमिलीज को कारवा कहते थे. तो जब ये मूव करते थे तो पूरी की पूरी फैमिली मूव करती थी इनके पीछे. तो ये एक साथ ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में मूव करते थे और ग्रुप में ही ट्रेड करते थे, तो इनके ग्रुप को कारवा कहते हैं. द कारवा वॉज कॉल्ड तंद. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज बंजारा टू मूव ग्रेन टू सिटी मार्केट. तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे बंजारास को, देखो आइडिया अच्छा है कि ये, क्योंकि ये मूव करते हैं तो ये क्या करते थे, बंजारास को यूज करते थे सिटी मार्केट में ग्रेन सोल्ड करने के लिए, या सिटी मार्केट से कोई चीज़ें लेकर आने के लिए. तो ये बीच में इनसे रिटेलर का काम करवाया करते थे. द मुगल एम्परर जहांगीर रोड दैट बंजारा यूज टू कलेक्ट ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सेल इट इन टाउन. तो जो जहांगीर थे वो भी यही काम बंजारा से करवाया करते थे. बंजारा इवन यूज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन फॉर मुगल ड्यूरिंग वॉर विथ एज मैनी एज 10,000 ब्लॉक्स. तो जो ड्यूरिंग मुगल पीरियड था, जो बंजारास थे बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल थे. ये क्या करते थे ड्यूरिंग वॉर, यानी जहाँ वॉर चल रही होती थी तो आर्मीज के लिए जो ग्रेन, खाना, जो फूड पहुँचाया जाता था, तो ये बंजारास ही लेकर जाया करते थे. क्यों? क्योंकि इनके पास ब्लॉक्स यानी बैलगाड़ियाँ जो होती हैं, पहले यही होती थी, कार जीप नहीं होती है, तो ये बुलॉक्स के ऊपर ग्रेन को रखकर ये मूव किया करते थे. चेंजेस अमंग दी गोंड्स. तो गोंड्स भी हमने पढ़ा था, तो गोंड्स में क्या चेंजेस देखने मिला?
As the Gond Raja gained power, they began to claim the status of the Rajput. जब Gonds एक tribe group है, हमने देखा था कल कि ये Gonds जो आदिवासी group है, ये जब power में आया, तो इसने क्या claim किया? Status of Rajput, यानी Rajput का जो status है, उसके ऊपर claim किया. कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अमन दास द राजा ऑफ ग्रह कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. अमन दास जो गोंड्स का राजा था, उसने ग्रह कटंगा के राजा को देखते हुए टाइटल खुद ने भी यूज किया. अमन दास जो था वो ग्रह कटंगा का राजा था, उसने एक टाइटल अज्यूम किया संग्राम शाह. ठीक है, हिज सन दलपत मैरिड दुर्गावती. यानी जब ये गोंड्स पावर में आ गए, तो इन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया. दे डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग और अपना जो नेम था उसके आगे एक टाइटल लगाया संग्राम शाह. यानी इन्होंने अपनी ट्राइब्स की जो टैग था उसे पूरी तरीके से हटा दिया और वो उन टाइटल्स को बिलीव करने लगे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे या पावरफुल माने जाते थे. हिज सन दलपत मैरिड दुर्गावती, तो इनके जो सन थे दलपत, उन्होंने दुर्गावती से मैरिड की. डॉटर ऑफ चंदेल राजा राजपूत राजा ऑफ माहोबा, तो ये जो डॉटर किसकी थी, ये चंदेल के राजा महोबा की डॉटर थी और ये महोबा जो थे वो राजपूत थे. दुर्गावती रूल द किंगडम ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ हर सन वीर नारायण आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो उनके हस्बैंड की जब डेथ हो गई, यानी दलपत की जब डेथ हो गई, तो उनकी जो रानी थी, क्वीन थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के बिहाफ आफ्टर हिज डेथ उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला और उनके जो संत है वीर नारायण. शी वॉज डिफीटेड इन 1565 बाई द मुगल फोर्स अंडर असफ खां. असफ खां के अंडर लीडरशिप में दुर्गावती डिफीट हो गई. द मुगल एक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेल्थ इन कॉइन्स एंड एलिफेंट्स फ्रॉम ग्रह कटंगा. तो मुगल्स ने क्या किया, एक लार्ज क्वांटिटी में वहाँ से जितने भी कॉइन्स थे, यानी जो इकोनॉमी थी, यानी पैसा था, और जितने एलिफेंट्स थे मोस्ट ऑफ क्वांटिटी में वहाँ से एलिफेंट्स और मनी ले गए. दे रिटर्न अ पार्ट ऑफ द किंगडम टू चंद्रशाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण. तो जो अब अंकल जो वीर नारायण के अंकल थे, अब वो उनकी तरफ मूव किया उन्होंने. डिस्पाइट द हैवी लॉसेज द गोंड्स मैनेज टू सर्वाइव एंड रीबिल्ड देयर रिसोर्सेज. अब बहुत कुछ लॉस हो चुका था, यहाँ से दुर्गावती डिफीट हो गई, यहाँ से उनके अंकल को डिफीट कर दिया गया वीर नारायण के, तो गोंड्स जो है पूरी तरीके से खाली हो गया था, ख़त्म हो गया था. फिर से इसे अपनी पावर रीबिल्ड करने के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ा था. द अहोम्स एस्टाब्लिश देयर किंगडम इन द ब्रह्मपुत्र वैली. अब अगर हम अहोम्स की बात करते हैं, तो अहोम्स ने ब्रह्मपुत्र वैली में अपने किंगडम को एस्टैब्लिश किया. दे माइग्रेटेड फ्रॉम बर्मा प्रेजेंट डे म्यांमार. पहले जिसे बर्मा कहा जाता था, आज वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है. तो ये कहाँ से आए थे, ये बर्मा से आए थे 13th century में. द होम्स डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड मैनी ट्राइब्स विद द यूज ऑफ फायर आर्म्स टू बिल्ड अ लार्ज स्टेट. तो जो अहोम्स थे उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को सब्जुगेटेड कर लिया, यानी वश में कर लिया या अंडर कंट्रोल कर लिया. कैसे, गर्म जोशी की वजह से. यानी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनकी जो स्ट्रैटेजिक थी लड़ने की, वो बहुत अच्छी थी और इसी की वजह से इन्होंने बहुत सारे
ट्राइब्स को डिफीट किया, अंडर कंट्रोल किया. इन 1662 द अहोम्स वर डिफीटेड बाय द मुगल्स अंडर मीर जुमला. तो जो अहोम्स थे वो हार गए. किससे हार गए? अंडर लीडरशिप ऑफ मीर जुमला मुगल से हार गए. द मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन वॉज शॉर्ट लाइफ. जो उन्होंने मुगल्स ने पूरे रीजन को ओवर कंट्रोल कर लिया. अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या था अहोम्स का? अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लांस और खेल्स. देखो क्लांस मतलब कबीले. तो अहोम्स जो थी एक बहुत बड़ा किंगडम था, तो वो एक बहुत बड़ा किंगडम कबीलों में डिवाइड हुआ था. कबीले यानी हम कह सकते हैं छोटे छोटे टाउन्स में, और वो टाउन्स जो थे वो कबीले कहलाते थे. यानी एक फैमिली जो थी, मतलब बहुत सारी फैमिली, जैसे हमने कहा था अभी कि कारवां, जैसे हमने बात की थी कि जो बहुत सारी फैमिली एक साथ मूव करती है तो उसे कारवां कहते हैं. ऐसे ही जब बहुत सारी फैमिलीज एक साथ ग्रुप बनाकर कहीं रहती है तो वो कबीले कहलाते हैं. उन कबीलों की अपने अपने बिलीव्स होते हैं, कल्चर अलग होता है, उनका रहने का तरीका अलग होता है. लेकिन ये सब अहोम से, क्योंकि ये एक साथ बर्मा से ही आए थे और ये एक बहुत बड़ा किंगडम था, लेकिन उस किंगडम में अलग अलग क्लांस यानी कबीले देखने को मिल रहे थे जिन्हें क्लांस या खेल्स कहते हैं. सेवरल विलेजेस वर अंडर अ खेल. बहुत सारे विलेजेस खेल में आया करते थे. यानी देखो स्टेट वाइज सिस्टम चलाता है यहाँ पे कि एक किंगडम है. किंगडम यानी समझ लो एक कंट्री है. कंट्री को इन्होंने स्टेट में डिवाइड किया. स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज आती हैं. तो सेम सिस्टम. द विलेज कम्युनिटी गेव लैंड टू द पीजेंट्स. ओके द ओम्स वर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड पब्लिक वर्क सच एज इरीगेशन, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. तो जो अहोम्स थे वो एग्रीकल्चर करते थे और पब्लिक सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे. यानी पब्लिक को इरिगेशन, पानी मिलना चाहिए. कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्ट करते थे कि कभी पानी की कमी ना हो. ब्रिजेस एक दूसरे को जोड़ने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते थे. यूजुअली ऑल द अडल्ट मेल ज्वाइन द आर्मी एंड पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स. और जितने अडल्ट मेल थे यानी जो यंगस्टर्स थे वो सारे आर्मी ज्वाइन करते थे अपने आप को, अपनी फैमिलीज को और अपनी किंगडम को प्रोटेक्टिव करने के लिए. द होम्स एम्प्लॉयड पेक्स और फोर्स लेबर हु वर फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट. एवरी विलेज हैड टू सेंड अ सर्टेन नंबर ऑफ पेक्स बाय रोटेशन टू द स्टेट. देखो पेक्स क्या होता था? एक फोर्स लेबरर्स होते थे. यानी ये वो लेबर हुआ करती थी जिन्हें खरीदा जाता था. गुलाम जिन्हें वर्ड्स हमने उसमें पढ़ा था, मुगल डायनेस्टी में भी पढ़ा था हमने. और ये वो लेबर्स हुआ करती थी जिन्हें खरीदा जाता था. खरीदे जाने के बाद इनसे फोर्सफुली हर वर्क कराया जाता था. तो इन लेबर्स को इस टाइम पेक्स कहा जाता था. तो अहोम्स में जो पेक्स एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे उन्हें फोर्स लेबर्स के थ्रू अलग अलग स्टेट में रोटेशन की वजह से इस बार इस स्टेट में भेज दिया वर्क के लिए, फिर उन्हें नेक्स्ट टाइम दूसरे स्टेट में भेजेंगे. तो एक रोटेशन के थ्रू ये काम चलता रहता था. अब रिलीजन क्या था? इनिशियली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स. तो अहोम्स थे जो वो खुद के जो ट्राइबल गॉड्स थे उन्हें बिलीव करते थे. बट थ्रू इंटरेक्शन विद कास्ट बेस्ड सोसाइटीज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड. लेकिन क्या हुआ जब उनका इंटरेक्शन हुआ कास्ट बेस्ड सोसाइटी से यानी जातिवाद वाले समाज से, तो इन्होंने ब्राह्मण्स जो था धर्म उस वो थोड़ा इंक्रीज होने लगा इनके अंदर. हिंदुज्म बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन अंडर सिप सिंह इन द 18th सेंचुरी. थ्रो ट्रेडिशनल रिलीजन प्रैक्टिस कंटिन्यू टू बी ऑब्जर्व. तो जो हिंदुज्म था जो डोमिनेंट हुआ यहाँ पर 18th सेंचुरी में सिप सिंह के अंदर, और जो ट्रेडिशन था इनका पहले से जो इनका ट्रेडिशन रिलीजियस था वो ऐसे ही कंटिन्यू था. बस न्यू चेंजेस, न्यू टेक्निक्स और न्यू रिलीजियस को ये एक्सेप्ट करते जा रहे थे, लेकिन अपने रिलीजियंस को, अपने ट्रेडिशन को ये भूल नहीं रहे थे. आर्ट एंड लिटरेचर क्या था? द अहोम्स वर ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर के ग्रेट पैट्रॉन माने जाते हैं. इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क नोन एज बुरानजीज
वर कंपोज इन दी अहोम लैंग्वेज. तो जो हिस्टोरिकल वर्क थे जिन्हें ब्रांचेस कहा जाता है उन्होंने अहोम लैंग्वेज कंपोज की थी या लेटर ट्रांसलेटेड इनटू असामीज. जो अहोम लैंग्वेज थी उसे ट्रांसलेट किया गया असामीज में. पोएट्स एंड स्कॉलर वर एनकरेज एंड अप्रिशिएट थ्रू लैंड ग्रांट्स. तो वहाँ के जो लैंड ग्रांट्स थे वहाँ के जो पोएट्स थे और हिस्टोरियंस थे वो काफ़ी प्रेरित थे इनसे. और दूसरी बात कि ये अहोम्स लैंग्वेज को आसामीज में कन्वर्ट करने के बाद और इजी हो गया था. वे न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स स्मॉलेस्ट कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन द वर्ल्ड सिस्टम. देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं. देखा था हमने कि अभी अहोम्स जो थे खुद के गॉड को बिलीव करते थे, लेकिन जैसे जैसे ये इंटरेक्शन हुआ इनका कास्ट बेस्ड सिस्टम से, ये ब्राह्मण्स को और हिंदुज़्म को इंटरेक्ट करने लगे थे. तो इसके साथ ही जैसे जैसे हम डेवलपमेंट देख रहे हैं इकोनॉमिक की और एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स की, तो जैसे जैसे सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक्स की चेंजेस देख रहे हैं साथ साथ क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम होता जा रहा है, जाति सिस्टम होता जा रहा है, वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम बताया था स्टार्टिंग चैप्टर के, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण्स ये फोर जो थे वो वर्ण सिस्टम में आते थे जहाँ हिंदुज़्म आता है. तो इसमें डिवाइड होने नजर आ रहा था. सेवरल ट्राइब्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कास्ट बेस्ड सोसाइटी बाय गेटिंग द स्टेटस ऑफ जातीज. जब काफ़ी आदिवासीज ने ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी का इन्होंने इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जब उन्होंने जाति सिस्टम पे बिलीव करना स्टार्ट किया था तो ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इन्वॉल्व हो गए थे. कॉन्स्टेंटली जातीज बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी रादर देन द ओरिजिनल कास्ट सिस्टम. तो जो जाति थी वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के काम आती थी. माना जाता था कि जाति से सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो जाती है कि भाई ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है. तो इससे सिस्टम बन जाता है सोसाइटी का. अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लांस सच एज द चंदेलास. अगर हम क्षत्रिय कास्ट की बात करें तो न्यू राजपूत के जो कबीले थे जो चांदेलास थे, चालुक्यास थे एंड अदर एमर्ज. तो हमने पढ़ा था चालुक्यास भी पढ़ा है हमने, चांदेलास भी पढ़ा. तो ये नए नए जो ट्राइब्स कम्युनिटीज थी ये मूव कर रही थी. दे एमर्ज इन राजपूत स्टेटस, जो राजपूत के पे क्लेम कर रहे थे स्टेटस पे, ओवर पावरफुल बनते जा रहे थे. सम ऑफ दीज वर ट्राइब्स अर्लियर एंड केम टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत. दीज प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल फॉर अदर ट्राइब्स टू फॉलो. इट मस्ट बी मैंशन योर दैट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. द रेस्ट ऑफ द पीपल वर असाइन अ पोजिशन इन द लोअर जातीज. तो क्या हुआ कि जो एमर्ज हुई चीज़ें नई चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्टेटस किस स्टेटस को क्लेम कर रहे हैं, राजपूत स्टेटस को क्लेम कर रहे हैं. तो जो ट्राइब्स थे वो भी मूव कर रहे थे इस जाति सिस्टम के ऊपर और अपने आप को रूलिंग सोसाइटी में, रूलिंग कास्ट सिस्टम में लाने के लिए सब एक दूसरे से लीड कर रहे थे. द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स लेड टू इट्स आउटराइट रिजेक्शन बाय सर्टेन ट्राइब्स ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध एक्सेट्रा. तो जो ब्राह्मण्स थे, क्या देखा गया कि ब्राह्मण जो थे सोसाइटी में वो ये देख रहे थे कि ये सब हर ट्राइब्स जो है हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इंटरेक्शन होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा. तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स को रिजेक्ट कर दिया कि तुम हमारे ना क्षत्रिय में आते हो, ना वैश्य में आते हो, ना राजपूत में आते हो, ना ब्राह्मण्स में आते हो, तो यू आर रिजेक्टेड. तो उन्होंने बहुत सारी आदिवासी ट्राइब्स ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया, नहीं आने दिया. नॉट द ट्राइब्स ऑफ दीज एरिया एम्ब्रेस्ड इस्लाम विच गेव देम एन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी. तो उन ट्राइब्स ने क्या किया, उन ट्राइब्स ने इस्लाम को अपना लिया
क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं दिखा, कोई जाति वाला सिस्टम नहीं दिखा। उन्हें उस इस्लाम रिलीजियस में सब कुछ इक्वल वाला सिस्टम नज़र आया, तो उन्होंने खुशी खुशी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। विद द पासेजेस ऑफ टाइम मैनी ट्राइब्स मर्ज विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और फिर जैसे जैसे और टाइम बढ़ता गया तो जो बाकी ट्राइब्स थी वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एमर्ज हो गई। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, नोमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। बहुत सिंपल चैप्टर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।